हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम आपको ये प्लाजो बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस, हमने जो कि प्लाजो के लिए कपड़ा लिया है वो हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, और ये हमारा प्योर कॉटन का कपड़ा है। इस तरह से इसकी जो विड्थ है वो हमारी 44 इंच है। तो ये हमारा उल्टा है और ये इधर सीधा कपड़ा। देखिए, इसके फूल जो हैं ऊपर नीचे ऐसे आ रहे हैं, तो हम दोनों को एक साथ इस तरह से कटिंग कर लेंगे। क्या होता है, कभी कभी फूल ऊपर ही जाते हैं, तो उसको हम पर्दों को कटिंग करके अलग दोनों पर्दों को एक साथ फिर पलटते हुए रखते हैं, फिर कटिंग करते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं वो ये गलती कर देते हैं। तो अभी तो हम इसको जैसे नॉर्मल कपड़े की कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग करेंगे। कपड़ा हमारा देखिए, इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी जो ओपन साइड नीचे की तरफ है और बंद साइड ऊपर की तरफ है। कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम कपड़े को फोर फोल्ड करके इस तरह से बराबर फोर फोल्ड कर लेंगे। हम इस तरीके से देखिएगा, जैसे मैं कर रही हूं तो इस तरह से आप करें। अच्छे से इसको हम पहले फोर फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखेंगे, कपड़ा बिल्कुल भी सिकुड़ा हुआ ना हो। अगर कॉटन का कपड़ा है, अगर आपको लगता है आपका कपड़ा सिकुड़ जाएगा, तो आप उसको पहले अच्छे से वॉश करके उसके बाद उस पर प्रेस कर लें। देखिए, कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको हम बिल्कुल बराबर करने के लिए एक स्केल लेंगे, उससे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है वो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिएगा, एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, हमने कपड़े को इस तरह से देखिए फोर फोल्ड करके रखा हुआ है। इस तरह से देखिएगा, 3 4 4 फोल्ड हमारा ये कपड़ा है। उसके बाद हमारी सबसे पहले क्या आती है, लंबाई आती है। लंबाई हमारी 35 इंच की है, तो 35 इंच की लंबाई तो हम लेंगे ही। उससे पहले हम नीचे से जो मोरी फोल्ड करते हैं उसके लिए लेंगे। अगर तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हम इसको बारीक फोल्ड करेंगे। मतलब तो इस तरह से हमने 1 इंच पे निशान लगाकर इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अभी लंबाई 35 इंच है। जितनी भी आपकी लंबाई, जहाँ से आपने फोल्ड कर निशान लगा वहाँ से 35 इंच रखें और यहाँ पर निशान लगा लें। मतलब आपकी जितनी लंबाई है आप उतना रखें। इस तरह से देखिएगा, हमने 35 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ से हम दोनों निशानों को ध्यान में रखते हुए स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस देखिए, नेफा फोल्ड के लिए हम 2 इंच रखेंगे, तो कपड़ा 2 इंच है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हमारा जो दूसरा नाप है वो हमारा है कमर। तो कमर हमारी है 32 इंच की। जितनी भी आपकी कमर हो उसको आप 4 से डिवाइड कर दें, मतलब कमर का चौथा हिस्सा हम निकालेंगे, तो हमारा 32 का आएगा गाइस 8 इंच। तो हम यहाँ से 8 इंच रख लेंगे। अभी बात आती है लूजिंग की, लूजिंग कितनी ऐड करें। तो गाइस देखिए, जैसे हम पैंट कटिंग करते हैं तो उसमें हम 2 इंच की लूजिंग देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंफर्टेबल प्लाजो बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 4 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ। यहाँ से आप भी 4 इंच की लूजिंग ऐड कर दें जब आप प्लाजो की कटिंग करें। उसके बाद हमें क्रोच एरिया, मतलब आसन कैसे निकालें, तो ये फिक्स रहेगा सबके लिए। जितनी भी आपका हिप का साइज हो, हमारी हिप का साइज 36 इंच है। हिप का मतलब जो हमारे कूलों से जो फिटिंग होती है सूट की, वही साइज। तो हिप का साइज हमारा 36 है। 36 का जब चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच के बाद आप यहाँ पर 3 इंच की एक्स्ट्रा रख दें, मतलब 3 इंच एक्स्ट्रा रखें, तो हमारा आसन आ रहा है यहाँ से 12 इंच। तो 12 इंच पर निशान लगा लें, ये आपका फिक्स रहेगा इस तरीके से। उसके बाद गाइस देखिएगा, यहाँ पे हमारा 12 है ऊपर, तो यहाँ पर भी हम 12 का निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम जो आसन की गोलाई देंगे वो हम 2 इंच पर देंगे। ये भी सबके लिए सेम रहेगा। अभी मोरी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा। मैं यहाँ पर सिर्फ 12 इंच की मोरी रख रही हूँ। अगर आप 13 14 जितना चौड़ा आप प्लाजो पहनना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर 12 इंच की रख रही हूँ। अभी जो हमने यहाँ पर ये आसन की गोलाई देने के लिए निशान लगाए, यहाँ से अभी नीचे जो निशान लगाए, इन दोनों को आपस में ध्यान में रखते हुए हम इनको आपस में इस तरह से मिला लेंगे। देखिएगा, दोनों निशानों को ऊपर से नीचे तक। तो गाइज, आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हम क्रोच एरिया कैसे इसकी गोलाई दें, तो नॉर्मल अगर आप इसमें म्यानी नहीं अटैच कर रहे हैं तो क्रोच एरिया में जो गोलाई देंगे हम ऐसे देंगे जैसे मैंने अभी दी है। अभी हम इसमें म्यानी अटैच करेंगे तो इसको हम इस तरह से यहाँ से तिरछा कर देंगे, मतलब इसकी गोलाई नहीं देंगे, इसमें हम म्यानी अटैच करेंगे। आप स्केल को इस तरह से रखें और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें ऊपर से, तिरछी मतलब तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, बट हमने जो ये सेकंड वाला निशान लगाया हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। इसकी हमने ज़्यादा गोलाई नहीं दी है क्योंकि मैं इसमें म्यानी अटैच करूँगी। उसके बाद हम अपनी पैंट को कटिंग कर लेंगे।
तो गाइस अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। देखिए मैंने जो कट लगाया ऊपर, यहाँ से हमारी म्यानी अटैच होगी, ऊपर से जॉइंट है तो इसको भी हम कटिंग कर लेंगे गाइस। तो गाइस जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मेरे पास भी जो सीखने आई हैं मैं उनको सिखा रही हूँ, वो फर्स्ट टाइम ये प्लाजो कटिंग करना सीख रही हैं, तो इस तरह से आप भी सीख सकते हैं। अभी गाइस देखिएगा हमारा जो प्लाजो है एकदम परफेक्टली कटिंग हो गया है, इस तरह से देखिएगा ये हमारा प्लाजो कटिंग हो गया है। अब हम इसके म्याने की कटिंग कर लेंगे। तो हमने कपड़ा ले लिया है, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसको एक बार और फोर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से देखिएगा। उसके बाद नीचे से कपड़े को सीधा करने के लिए ना हम स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे देखिएगा। अभी हम यहाँ से जो इसकी चौड़ाई रखेंगे, जो विड्थ रख रहे हैं वो हम यहाँ पर 2.5 इंच की रख रहे हैं और इसकी जो लेंथ रखेंगे म्याने की वो हम 6 इंच की लेंगे। अभी यहाँ से ऊपर से यहाँ से तिरछा रखेंगे स्केल को, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम हल्की सी 2 पॉइंट ऊपर से इसकी गोलाई दे देंगे, हल्का सा यहाँ से हमने गोलाई दी है साइड से कॉर्नर से, ज़्यादा नहीं देंगे, बिल्कुल आधा इंच से भी आप कम दे सकते हैं या आधा इंच दे सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। हमारी म्याने भी देखिएगा कटिंग हो गई है। अभी हम अपना ये एक पार्ट ले लेते हैं प्लाजो का, इसमें म्याने हमें यहाँ से अटैच करनी है, जहाँ से मैंने कट लगाया था यहाँ से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। दोनों म्याने को मैं एक ही पार्ट में अटैच कर रही हूँ, उसके बाद हम अपना दूसरा पार्ट इसमें जॉइन कर देंगे देखिएगा। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इससे सिलाई लगा कर इसको अटैच कर लेंगे। उसके बाद गाइस देखिए म्यानी हमने एक पार्ट में अटैच कर ली है। अभी हम यहाँ पर म्यानी जहाँ से हमारा ऊपर का जॉइंट आ रहा है वहाँ से हम कट लगाएंगे म्यानी का, देखिए जहाँ से हमारी म्यानी जुड़ी हुई है। कट क्यों लगा रहे हैं, जब हम अपना दूसरा पार्ट इसमें जॉइंट करेंगे ना तो देखिए ये सीधी आएगी और ये जो हमारा मार्जिन है म्यानी वाला ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अगर आप ये कट नहीं लगाएंगे तो आपका झोल आ जाएगा इस तरीके से, जब हम दूसरा पार्ट इसमें जॉइंट करेंगे। तो अभी हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं, इसके ऊपर हम रखेंगे अपने दूसरे पार्ट को देखिएगा, यहाँ से रखेंगे बिल्कुल बराबर मिलाते हुए, यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे इसको, मार्जिन को उधर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए कितने आसानी से हमारा फोल्ड हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखेंगे और दूसरी साइड के जो हमारा पर्दा है उसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे अटैच हो गए, देखिए हमारी म्यान इस तरह से अटैच हो चुकी है। अभी हम इसको बिल्कुल बराबर करते हुए रखेंगे इनकी मोरी को, देखिए अच्छे से सेट कर लें, उसके बाद हम इसकी साइड की जो फिटिंग होती है हमारी वो लगा लेंगे हम यहाँ तक। अभी हमारी साइड की फिटिंग लग गई है, देखिए आप देख सकते हैं परफेक्टली। अभी हमारी जो मोरी है उनको हम कैसे फोल्ड करें, जो हमने 1 इंच पर निशान लगाए वहीं से कपड़े को फोल्ड करेंगे दोनों साइड से इस तरह से और नाखून से अच्छे से प्रेस कर देंगे, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है तो वो आसानी से हमारा इस तरह से क्रीज बन जाती है उसमें, जब हम इस तरह से इस पर नाखून से प्रेस करते हैं। तो अभी उसके बाद देखिए हमने 1 इंच तो इसको फोल्ड किया, लेकिन आधा इंच हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। दूसरे मोरी को भी हम इसी तरीके से टर्न करके फोल्ड करेंगे देखिएगा, उल्टी तरफ को फोल्ड किया है हमने इसको, अब इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे, इसको भी फोल्ड कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे देखिए इस वाली मोरी पर भी। तो हमारी मोरी भी बन गई है। अभी हम नेफा कैसे फोल्ड करेंगे देखिएगा, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। हम इंची टेप ले लेते हैं, हमने नेफा फोल्ड के लिए 2 इंच का फैब्रिक लिया था, तो 2 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा देखिए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड में हम रखेंगे 2 इंच पर और आधा इंच ऊपर हमारा फोल्ड का जाएगा, तो इस तरह से निशान लगा लेंगे इस तरह से। अगर आप बिगिनर से आपके नेफे में झोल आता है तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ, साइड जगह जगह आप इसी तरीके से 2 इंच नेफा फोल्ड आधा इंच मार्जिन का, 2 इंच नेफा फोल्ड आधा इंच मार्जिन का, एक निशान आधा इंच पर लगाएं ऊपर की तरफ और एक निशान नीचे की तरफ आप 2 इंच पर लगाएं इस तरीके से। अभी इनसे क्या बेनिफिट आपका रहने वाला है देखिए, जो हमने चौक से 2 इंच पर निशान लगाया वहीं से हमें कपड़े को बिल्कुल बराबर जहाँ से निशान दिख रहे हैं वहीं से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। आपके इसमें इस तरह से आप जब नेफा फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी, इस तरह से निशान लगा लें। अभी हमने ये निशान जो 2 इंच पे लगाया इसको तो फोल्ड कर लिया, लेकिन अंदर की तरफ जो आधा इंच जाएगा वो निशान पे भी हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए चले जाएंगे और किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। पीछे से भी हम इसी तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और निशान पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद देखिए हम थोड़ी सी खुली साइड छोड़ेंगे जिससे इसमें हम इलास्टिक अटैच करें। हमारा गाइस देखिएगा एकदम परफेक्टली नेफा भी फोल्ड हो गया है, यहाँ से थोड़ी सी खुली साइड छोड़ दी थी जिससे हम इसमें इलास्टिक अटैच करें। अभी हम इलास्टिक ले लेते हैं, जो इलास्टिक की मैंने लंबाई ली है गाइस, सॉरी चौड़ाई ली है, वो मैंने ली है यहाँ पर 27 इंच की, ये मेरे फिट आती है, 32 साइज में फिट आएगी। अगर आप थोड़ा सा लूज पहनते हैं तो आप इसको 28 कर सकते हैं। हमने इलास्टिक की जो लंबाई ली वो 1.25 इंच की ली। 1.25 इंच की क्यों ली, क्योंकि अगर 1.5 इंच हमारा नेफा फोल्ड हो गया है
तो 1.5 इंच की इलास्टिक लेंगे ना तो वो फंस जाएगी, क्योंकि हमने जब इसको फोल्ड किया तो जो सिलाई आई है वो एक पॉइंट हमारा वहाँ कम हो गया। तो इस तरह से आप जब 1.5 इंच हम फोल्ड करेंगे ना नेफे को, तो 7 इंच की इलास्टिक एकदम फिक्स बैठ जाती है इस तरह से। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको 1.5 इंच की ही इलास्टिक डालनी है तो आप थोड़ा सा इसको नेफे को एक पॉइंट बढ़ा दें चौड़ाई लंबाई में, ठीक है। अभी हमने इलास्टिक को अटैच कर लिया है और अच्छे से इसको सेट करेंगे, खींच लेंगे। अभी जो हमारी पिन है उसको हम निकाल देते हैं, एक साइड रख देंगे। अभी हम दोनों पार्ट्स को देखिए, जो हमारी इलास्टिक के दोनों साइड है उनको इस तरह से पकड़ेंगे। ये जरूर चेक कर लें कि हमारी जो इलास्टिक है वो सुकड़ नहीं रही हो। उसके बाद यहाँ से सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे। सिलाई लगा ली है हमने, अभी हमारी जो ये खुली साइड है इसको भी हम बंद करेंगे। लेकिन इसको बंद कर तो रहे हैं लेकिन ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान में रखना है, जब हम ये सिलाई लगा रहे हैं ना गाइस, तो अभी तो इसमें इलास्टिक के जो बिगनर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि इलास्टिक आपकी दब जाएगी सिलाई में। तो आपको सिलाई में इलास्टिक नहीं दबानी, वरना इसमें जो गैदर बनती है वो नहीं बनेगी, ये यहीं पे रुक जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं दबनी चाहिए जब आप इस सिलाई को बंद करें। अच्छे से इसको खींचेंगे और सब जगह हम इसको जो गैदर है अच्छे से इसको सेट कर लेंगे गैदर को। देखिए हमारी गैदर सेट हो चुकी है, अभी सब जगह गैदर एकदम बराबर फिक्स आई है। तो अभी हम क्या करेंगे, बीच सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई पता है आपको क्यों लगा रहे हैं गाइस, ये सिलाई इसलिए लगा रहे हैं जब आप पैंट हो या कुछ भी इलास्टिक डालते हैं आप किसी भी चीज़ में, तो क्या होता है हमारी इलास्टिक जब कपड़ा धोते हैं तो सिकुड़ जाती है। तो ये जो सिलाई है इससे वो इलास्टिक वहीं पर सेट हो जाएगी, मतलब बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ेगी, और इससे क्या होगा गैदर भी अच्छी बन जाती हैं, एक जगह सेट हो जाती हैं गैदर। तो अभी हमारा जो प्लाजो है बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए गाइस इसमें एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी गैदर भी बन गई हैं, तो चलिए फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए हमारा प्लाजो बन के रेडी हो गया है और एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा प्लाजो बन के रेडी हुआ। अगर आप बिगनर्स और इस तरह से प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपका प्लाजो एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो गाइस आशा करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।